वेल हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आपका वीकेंड अच्छे से जा रहा होगा, आप इंजॉय कर रहे होंगे अपनी फैमिली के साथ, अपने आप को टाइम दे रहे होंगे, क्योंकि अपने आप को टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अपने आप को टाइम देने का मतलब होता है इंडिविजुअली, अकेले अपने आप को टाइम दीजिए, अपने आप से बातें कीजिए, अपने आप से डिस्कस कीजिए, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। आपसे आपको आपसे ज़्यादा आपको बेटर कोई नहीं अंडरस्टैंड करेगा, ये बात याद रखना। जितना ज्यादा अपने आप से डिस्कस करेंगे, जितना ज्यादा टाइम अपने आप को देंगे, बिलीव मी, रिलैक्स फील होगा, पॉजिटिव वाइब्स आएंगे, और दूसरा आपको ये लगेगा कि मैं सॉल्यूशन हर किसी भी प्रॉब्लम का मैं निकाल सकता हूं। क्योंकि बेस्ट होता है अपने आप से डिस्कस करना, अपने आप को टाइम देना, अपनी मिस्टेक पर फोकस करना और फ्यूचर के लिए पॉजिटिव रहना। सिचुएशन कुछ भी हो, लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, पर्सनल लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा फेड अप हो सकती है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ फेड अप चल सकती है, लेकिन गाइस हर सिचुएशन में अगर आप पॉजिटिव है, अपने आप से ये बोलते हैं कि मैं ये कर लूँगा, हम इस सिचुएशन से भी निकल जाएंगे, तो आज नहीं तो कल आप 100% इस सिचुएशन से निकल जाएंगे। मैं बार बार आपको क्यों बोलता हूँ पॉजिटिव रहने के लिए, क्योंकि अगर आपका माइंड शांत है, आपका बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव है गाइस, आप बहुत ज़्यादा बुरी सिचुएशन में भी अपने आप से ये बोल सकते हैं हाँ ये मैं कर सकता हूँ और मैं इसको कर लूँगा, हाँ इस सिचुएशन से मैं निकल सकता हूँ और मैं इस सिचुएशन से निकल जाऊँगा। तो बिलीव मी गाइस, आने वाले टाइम में 6 मंथ 3 मंथ्स के बाद आप रियलाइज करेंगे कि हाँ उस टाइम अगर मैंने अपने आप को पॉजिटिव नहीं रखा होता तो शायद मैं आज इस सिचुएशन से नहीं निकलता। ट्रेडर की लाइफ में बहुत बुरे दिन आते हैं, याद रखना, बहुत बुरे दिन आते हैं, स्टार्टिंग फेसेस बहुत ज्यादा टफ होते हैं, हर कोई उस फेस से निकलता है। जो ये बोलता है कि उसने स्टॉक मार्केट में टफ फेस नहीं देखा, तो बिलीव मी गाइस वो झूठ बोलता है। हर किसी सक्सेसफुल ट्रेडर के पीछे कहीं ना कहीं एक स्टोरी होती है। स्टार्टिंग फेस हर किसी का बुरा होता है, उसमें से 98% जो ट्रेडर होता है वो गिव अप कर देता है और अपनी लाइन ही चेंज कर देता है। मैक्सिमम ट्रेडर गिव अप कर देते हैं गाइस, उसके बाद वो मार्केट को दोष देते हैं। ये मार्केट एक ऐसा है जहां पर एक दिन में आप 1 लाख रुपए बना सकते हो, एक दिन में आप 1 करोड़ रुपए बना सकते हो, एक दिन में आप 50 लाख रुपए बना सकते हो। डिपेंड करता है आपकी नॉलेज पर, डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पर। ये भी हकीकत है, जो ट्रेडिंग से सक्सेस होता है, जो स्टॉक मार्केट से सक्सेस होता है, उसके लिए पैसा मायने नहीं रखता। वो आने वाले टाइम में इतना पैसा कमाता है, लेकिन डिपेंड ये करता है क्या वो अपने स्ट्रगलिंग फेसेस में, जो बहुत ज्यादा टफ होते हैं, वो इतने टफ होते हैं कि आपका साया भी आपका साथ छोड़ देता है। रिलेटिव तो बहुत दूर की बात है, बहुत ऐसे रिलेशन छूट जाते हैं कि आपको बिलीव भी नहीं होता कि ऐसा भी कुछ हो सकता था मेरे साथ में। इतने टफ फेसेस आते हैं कि वो आप खुद अंडरस्टैंड कर सकते हैं अगर आप उस सिचुएशन से निकले हैं। दूसरा कभी भी अंडरस्टैंड नहीं करेगा कि आपने क्या फेस किया है, क्या फील किया है, तब जाके आपको सक्सेस मिली है। हर कोई उगते हुए सूरज को सलाम करता है, ये बात मत भूलना। और टफ टाइम में ना बहुत लोग साथ छोड़ते हैं, वो साथ नहीं छोड़ते तो आपका फायदा उठाते हैं, आपका बेनिफिट उठाते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको दोषी मानते हैं कि आपने गलत किया उनके साथ। वो कभी अंडरस्टैंड नहीं करते कि उसकी ये जस्ट स्टार्टिंग हुई है गाइस। वो अगर वो खड़ा हुआ है एज ए ट्रेडर, वो खड़ा हुआ है तो आज जिस अमाउंट के लिए वो परेशान हो रहा है, जिस प्रॉब्लम्स को आज वो फेस कर रहा है, उससे कई गुना उसकी पुश्तों का तक पैसा होगा उसके पास। वो छोड़कर जाएगा, वो इतना पैसा कमाएगा, क्योंकि इस मार्केट में इतना दम है कि पूरे देश के कुएं, पूरे देश की प्यास बुझा सकता है, इतना बड़ा कुआ है गाइस, इतना पैसा है, अनलिमिटेड पैसा है। और इसमें दिन हो, बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, और अगर हमारी मार्केट, हमारा स्टॉक मार्केट इंपैक्ट करता है तो दुनिया पे इंपैक्ट बाद में आता है, पहले हमारे ऊपर इंपैक्ट आएगा। हमें कुछ होगा तो दुनिया ही लेगी। तो एज ए ट्रेडर पॉजिटिव रहिए, एनर्जेटिक रहिए और इंजॉय कीजिए इस सिचुएशन को, अगर आप किसी बुरी सिचुएशन से गुजर रहे हैं। लेकिन आप नहीं गुजर रहे होंगे, जो हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़े हैं, जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं, जो लास्ट 6 मंथ से हमारे साथ जुड़े हैं ना, इतना मैं शॉर्ट बोल सकता हूं, कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे और कहीं ना कहीं उनको प्रॉफिट भी हो रहा होगा। गाइस पॉजिटिव रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे तो 100% पैसा बनाएंगे। बात करता हूं मार्केट पर, सबसे पहले मैं वेलकम करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मनी इज एवरीथिंग। सबसे पहले गाइस हमारे चैनल के नाम से टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारे चैनल बनते जा रहे हैं दिन पे दिन, क्योंकि हम सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो फ्रॉड लोग होते हैं वो हमें टारगेट कर रहे हैं।
आप ध्यान रखना, कुछ भी सब्सक्राइब करने से पहले मुझसे जरूर पूछ लें, कुछ ना हो तो YouTube पर एक मैसेज जरूर करें, कमेंट जरूर करें, जिसका मैं 100% रिप्लाई करता हूं। मैं आपको बताऊंगा कि ये मेरा चैनल है या नहीं है। बहुत लोगों ने, बहुत ट्रेडर ने फंड वहां पर पे कर दिया और उनको कमिटमेंट किया गया कि आप 50,000 पे करते हैं तो आपको 2,00,000 का रिटर्न मिलेगा। मेरी कोई भी ऐसी कमिटमेंट नहीं है, मैं किसी को कोई गारंटी नहीं करता हूं। पहले ही ये समझ लीजिए, जो भी आपको ऐसा बोल रहा है वो फ्रॉड है, उसको एक पैसा मत देना। बात करता हूं सबसे पहले मार्केट की। मंडे से ऐसे सेशन आएंगे गाइज, इतना मजा आने वाला है पैसा बनाने में कि आपका अमाउंट मल्टीपल नहीं सुपर मल्टीपल होने जा रहा है। हो सकता है ये अगले 8-10 दिन यानी कि 10th of June तक हमारे अकाउंट में जितना अमाउंट है इस टाइम वो कई मल्टीपल हो सकता है। वो इस चैनल की पावर है, वो इस यूनिक एक्सपीरियंस की पावर है और ऐसी ऐसी स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें आपको प्रॉफिट होने के चांसेस 90% होंगे और सुपर जैकपॉट भी लगने वाला है। उसके लिए भी रेडी रहना, क्योंकि लास्ट वीक हमारा ये वीक बहुत अच्छा रहा, एक शानदार वीक रहा हमारा, बहुत अच्छा हमने पैसा बनाया है। नेक्स्ट वीक के लिए हम बिल्कुल प्रिपेयर है। नेक्स्ट वीक मंडे 9:30-9:15 से हम स्टार्ट हो जाएंगे और नॉन स्टॉप 10 जून तक हमें बिल्कुल फोकस करना है अपनी ट्रेडिंग पर। खाना भूल जाइए, सब कुछ भूल जाइए, फोकस कीजिए। ये 10th June तक जो पैसा बनेगा वो गाइस मल्टीपल बन सकता है, बहुत मल्टीपल बन सकता है। फोकस कीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप में जिन लोगों ने, जिन फैमिली ने मुझे ज्वाइन किया हुआ है, मेरी उनसे बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है, आप एक्टिव रहें। आपको मैसेज हर बार मैसेज देखना है, मैं छोटा छोटा भी कमेंट करूं आपको ध्यान से उसको फोकस करना है, और जब मैं ट्रेड शेयर करूं तो आपको एकदम कूद जाना है उसमें, एक्टिवली पोजिशन बनानी है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये याद रखना, बिल्कुल पॉजिटिव वे में एक्टिव होकर, एनर्जेटिक होकर पोजीशन बनाइए। और जो लोग अभी टेलीग्राम, जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया है, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए ज्वाइन कीजिए। किस चीज का वेट कर रहे हैं गाइस? पैसा बनाना है तो सही डायरेक्शन में सही पीपल, सही एनालिस्ट, सही एक्सपीरियंस के साथ आपको जुड़ना होगा। एनी हाउ बात करता हूं मार्केट की। नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट क्या लग रहा है गाइस? जैसे ही पहले यूट्यूब फैमिली के लिए मैं बता देता हूं स्ट्रेटजी, याद रखना, अगर 23,024 के ऊपर गैप, मतलब गैप अप ओपनिंग हो, जिसकी मुझे पूरे चांसेस है कि गैप अप ओपनिंग होगी मंडे, उसका रीजन मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूंगा। आपको YouTube फैमिली को मैं लेवल दे रहा हूं, जैसे ही 23,024 क्रॉस करे, जैसे ही क्रॉस करे, मैं सस्टेन करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं चार्ट की तरह बेवकूफ नहीं बनाता हूं, 23,024 जैसे ही क्रॉस करे आपको उसी डायरेक्शन में पोजीशन बना ली है कॉल साइड और स्टॉप लॉस लगा देना है निफ्टी पर 22,950 और उस पोजीशन को होल्ड करना है। पहला टारगेट उसमें जो आएगा 23,090 निफ्टी नजर आएगा आपको, दूसरा टारगेट नजर आएगा 23,160। ये आपको टारगेट हो सकता है मंडे, आपको एनी हाउ मॉर्निंग में ही मिल जाए। तो ध्यान रखना YouTube फैमिली के लिए, जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है उनके लिए ये लेवल से निफ्टी 23,024 जैसे ही क्रॉस करे, गैप अप में क्रॉस कर दे, ओपनिंग के बाद क्रॉस करे गाइस, आपको पोजीशन बनानी है पॉजिटिव साइड और उसको वेट करना है, जो लेवल्स दिए हैं उनका वेट करना है और स्टॉप लॉस लगा देना है 22,950 का। और इसमें एक सिचुएशन ये आती है कि आपने पोजीशन बनाई, उस पोजीशन में जो कॉल का प्रीमियम आपने बाय किया है उसका स्टॉप लॉस लगाइए मुश्किल से 15-20 रुपीज और उसका टारगेट रखिए 35-40 और 40 रुपीज का प्रॉफिट आ जाए आपको विद इन 30 मिनट, 1 आवर 2 आवर उस पोजीशन को बुक कीजिए, प्रॉफिट बुक करके बैठ जाइए। आप नए ट्रेड के लिए आप वेट कीजिए अगले ट्रेडिंग सेशन का। ये हो चुका है निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी पे हम सुपर बुलिश हैं, बैंक निफ्टी अगले हफ्ते कमाल कर सकता है। आपको कोई भी माइनर गैप डाउन ओपनिंग दिखाई दे या फ्लैट टू निगेटिव ओपनिंग दिखाई दे या गैप अप खुलने के बाद नीचे आए और जो क्लोजिंग के आसपास आए तो आपको एनी हाउ कॉल में पोजीशन बनानी है। अपना व्यू पॉजिटिव साइड रखिए, उसको बिल्कुल निगेटिव साइड मत के रखिए। और दूसरी बात, पहले बात करता हूं कि मार्केट के डायरेक्शन की, मार्केट क्यों इतना तेज है, उसका रीजन ये बिल्कुल नहीं है कि एनडीए की 400+ सीट आने वाली है। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था और मैं आपको बार बार बोलता हूं कि ये एक्सपीरियंस यूनिक क्यों है, क्योंकि मैं एक्चुअल में वो चीजें डिस्कस करता हूं आपके साथ में जो किसी को पता भी नहीं होती है। मैं फिर बोल रहा हूं, ये जो रैली बनी है वो रैली इसलिए नहीं बनी है कि एनडीए 400+ सीट लेकर आ रहा है, नहीं,
गाइस ये रैली बनी है, एक तो ग्लोबल हमसे पहले रैली कर चुका था और मार्केट को एक पॉजिटिव टिगल चाहिए था, वो कहां से मिला? वो मिला आरबीआई की तरफ से। आरबीआई ने 2 लाख करोड़ का जो डिविडेंड दिया है गाइस गवर्नमेंट को, वो पॉजिटिव लिया है मार्केट ने। वो पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि आरबीआई ने वो अमाउंट अर्निंग करके दिया है, ना कि अपने पॉकेट से या हमारे आपकी पॉकेट से दिया है गवर्नमेंट को। इससे यह होता है कि 2 लाख करोड़ का फिजिकल डेफिसिट यानी कि वित्तीय घाटा हमारा कम हुआ है, और 2 लाख करोड़ जब इकोनॉमी में आएंगे तो बूस्ट अप बनेगा, इकोनॉमी बूस्ट होगी, इसलिए बैंक निफ्टी निफ्टी मार्केट ऊपर गया है और इसको सपोर्ट किया है एफआईएस के डेटा ने। एफआईएस का डेटा बहुत पॉजिटिव आया। नेक्स्ट डे ही जब ये इवेंट आया उसके अगले दिन एफआईएस ने कोई 15,000 करोड़ की बाइंग करी कैश सेगमेंट में, स्टॉक फ्यूचर में और इंडाइसेस फ्यूचर में। अब क्यों मैं पॉजिटिव बोल रहा हूं नेक्स्ट वीक के लिए, एफआईएस के डेटा की बात करते हैं। एफआईएस का डेटा आपको कैश में दिखाई दे रहा होगा कि उन्होंने 900 करोड़ का सेल किया है, ठीक है, अंडरस्टैंड 900 करोड़ का सेल किया है। दूसरा आपको स्टॉक फ्यूचर उन्होंने 500 करोड़ के सेल किए हैं, अंडरस्टैंड के सेल किए हैं, लेकिन गाइज उन्होंने इंडाइसेस 5400 करोड़ का अपना शॉर्ट कवर किया है। ये बिग पॉजिटिव है मार्केट के लिए। 5400 करोड़ के अपने जो शॉर्ट्स बना रखे थे इंडाइसेस फ्यूचर में उनको कवर किया है, और इस टाइम एफआईएस का लॉन्ग और शॉर्ट रेशियो इंडाइसेस में आ चुका है 49% और 51%। अभी वो 51% पर शॉर्ट्स है, 49% उनका लॉन्ग है, और बिलीव मी ये रैली तब तक नहीं रुकेगी जब तक एफआईएस का लॉन्ग पोजीशन 65 तक ना पहुंच जाए। 65% जब पहुंच जाएगा लॉन्ग पोजीशन, तब मैं बोलूंगा कि यहां पे अब हमें सावधान रहना होगा कि क्योंकि एफआईएस का लॉन्ग पोजीशन 65% हो चुका है। तो इसका जो बुलिश होने का पीछे का साइन है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि एफआईएस का डेटा आप डीपली जाकर चेकआउट करेंगे तो डीपली में बहुत पॉजिटिव है। शॉर्ट्स कवर होना इसका मतलब मार्केट इसको बहुत पॉजिटिव लेगा। अभी जो आपको गिफ्ट निफ्टी फ्लैट दिखाई दे रहा है उसके चक्कर में मत पड़िए, मंडे आपको सरप्राइज मिल सकता है। दूसरी बात, निफ्टी का पीसीआर 1 चल रहा है, लाइट है गाइस, बहुत लाइट है, 23,000 के लेवल पर निफ्टी का पीसीआर 1 होना बहुत लाइट पोजीशन है। दूसरा, बैंक निफ्टी का पीसीआर 1.12 है और बैंक निफ्टी इतना रनअप दिखा रहा है उसके बाद भी पीसीआर हल्का सा भी ओवरबोट नहीं है। पीसीआर बैंक निफ्टी का ओवरबोट होगा 1.4 से लेकर 1.7 तक ओवरबोट की सिचुएशन बनेगी। निफ्टी का पीसीआर ओवरबोट होगा 1.35 से लेकर 1.65 में कंडीशन में जाकर ओवरबोट होगा। तो मार्केट के लिए मेरा व्यू नेक्स्ट वीक के लिए बाय ऑन डिप है, एनी हाउ बाय ऑन डिप। हो सकता है मंडे में आपके साथ कुछ ऐसी ट्रेड शेयर करूं, जो ऐसी स्ट्रेटजी शेयर करूं जिसमें आपको इंट्राडे में ही 50% का प्रॉफिट हो जाए, और इसके लिए तैयार रहना, मैं उसके लिए प्रिपरेशन कर रहा हूं। गाइस एक भी ट्रेड आपको मिस नहीं करना है, अभी तो स्टार्टिंग है, पिक्चर पूरी बाकी है, बहुत मोटा पैसा बनाना है, मिलकर बनाना है और पॉजिटिव वे में बनाना है और सबको साथ लेके चलना है और बड़ा पैसा बनाना है। यहाँ पर डिस्क्लेमर, जो भी पोजीशन मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ वो 100% मेरी फैमिली के अकाउंट में और मेरे क्लाइंट के अकाउंट में 100% होती ही होती है। गाइस पॉजिटिव रहिए, एनर्जेटिक रहिए और डरिए मत, मुझे डरपोक ट्रेडर नहीं चाहिए। आप में दम है तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कीजिए और मंडे एनी हाउ ट्रेड लीजिए और कॉन्फिडेंस दिखाइए। मार्केट इज ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस एंड डिसिप्लिन। अगर आप कॉन्फिडेंस से अपनी पोजिशन को लेकर और डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं तो बिलीव मी आप इतना पैसा कमाएंगे कि आपको किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा, किसी भी ट्रिक को प्लानिंग करने से पहले आपको सोचना नहीं पड़ेगा, अपनी फैमिली में कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करने से पहले बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ेगा। जब बैंक का पैसा होता है गाइस, जब बैंक का मैसेज आता है क्रेडिट का, तो वो मैसेज सबसे अच्छा होता है दुनिया के सारे मैसेजेस में, ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जब मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिट तो डिफरेंट फील आती है गाइस। यहां पर पैसा अनलिमिटेड है, लेकिन डिपेंड आप पर करता है कि आप पैसा कमाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कॉन्फिडेंस आपको दिखाना होगा, ज्वाइन आपको करना होगा। दूसरी बात, नेक्स्ट वीक मंडे से आपको हर टाइम एक्टिव रहना होगा ग्रुप में। ये टेलीग्राम फैमिली के लिए स्पेशल मैसेज है,
आपको हर टाइम टेलीग्राम फैमिली में एक्टिव रहना होगा, हर मैसेज को आपको रीड करना होगा और वो टाइम से रीड करना होगा, उसको मिस नहीं करना है। तो ये हो चुकी है पूरी मार्केट की बात गाइस। मार्केट को मोदी जी पसंद है और मोदी जी मार्केट को पसंद करते हैं, ये हकीकत है। जैसा वोटिंग परसेंटेज चल रहा है तो मार्केट ये मान के चल रहा है कि एनडीए की 350 सीट आएगी और 400 प्लस सीट आ गई, तो गाइस अपर सर्किट के लिए तैयार रहना। तो बनेगा बहुत मोटा पैसा बनेगा, आपको पॉजिटिव रहना होगा, एनर्जेटिक रहना होगा, छोड़ दीजिए निगेटिविटी को, पॉजिटिव लोगों के साथ जुड़िए, एनर्जेटिक रहिए, पैसा बनाइए और अपने ऊपर खर्च भी करना है मस्ती के साथ। तो थैंक यू सो मच गाइज, ये मुझे लगता है कि मैं सब कुछ कवर कर चुका हूँ, डायरेक्शन भी बता चुका हूँ कि मार्केट का क्या रहेगा और मेन पॉइंट्स क्या है वो भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। और टेलीग्राम फ्रॉड से बच के रहना, वो बहुत बड़े फ्रॉडर है, वो किसी को नहीं छोड़ते हैं। तो लव यू दोस्तों, थैंक यू सो मच, और प्लीज वो स्पेशल थैंक्स गाइज, आप लोगों का सपोर्ट बहुत मिलता है मुझे, थैंक यू। और बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू गाइज, हमारी फैमिली बढ़कर 19,000 क्रॉस कर चुकी है, 19,000 हमारे मेंबर्स हो चुके हैं। और जब ये मैंने जर्नी स्टार्ट की थी बिफोर 6-7 मंथ, उस टाइम मेरे पास कुछ भी नहीं था, बहुत छोटी फैमिली थी और मेरे व्यूज भी कुछ नहीं आते थे, 2-4 लोग भी मुझसे बात नहीं करते थे और बहुत स्ट्रगल था स्टार्टिंग में। लेकिन मुझे बिलीव था ऑन, क्योंकि मैं ऑनेस्ट था चीजों को लेकर, मैंने कभी भी ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं किया कि मैं आपके लिए कुछ अलग लेकर आऊं। मैंने ये जो मार्केट में मुझे दिखाई दिया, जो मैंने अपने ऊपर इंप्लीमेंट किया, वही आप सबको बताया है हमेशा से, थैंक यू सो मच। और आप लोग बहुत लोग ऐसे हैं जो स्टार्टिंग से जुड़े हैं इस जर्नी के साथ में और आज तक उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। एक झटका तब लगा था जब मैंने टेलीग्राम लॉन्च किया था, उस टाइम जो मेरे बहुत करीबी थे, जो बहुत ज्यादा अपने आपको मुझे मेरे करीबी दिखाते थे, वो लोग भी साथ छोड़कर चले गए। साथ तो उन्होंने छोड़ा ही छोड़ा, चैनल को भी अनसब्सक्राइब किया था और मुझे बहुत अच्छे से याद है, एक दिन के अंदर 24 आवर्स के अंदर हमारे 500 to 600 सब्सक्राइबर ने हमें अनसब्सक्राइब किया था। लेकिन मुझे इतना सा फर्क नहीं पड़ा था क्योंकि मैं जानता था मैं क्या कर रहा हूं। सबसे बड़ी चीज होती है बिलीफ सिस्टम, अगर आपको अपने ऊपर बिलीव है तो दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी पावर आपको अपने टारगेट अचीव करने से पीछे नहीं हटा सकती है। आप अपने ऊपर बिलीव कीजिए, आप दुनिया का कुछ भी अचीव कर सकते हैं, जो लाइफ में आपको चाहते हैं वो कुछ भी अचीव कर सकते हैं। और मेरे साथ रहेंगे, हम मिलकर अचीव करेंगे। पॉजिटिव रहिए, एनर्जेटिक रहिए और दम दिखाइए, कॉन्फिडेंस दिखाइए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके रजिस्टर कीजिए अपने आपको और वहां पर व्हाट्सएप नंबर है, उस नंबर पर स्क्रीनशॉट शेयर कर लीजिए, विद इन 5 मिनट मेरी टीम आप सबको ज्वाइन कर लेगी। तो थैंक यू सो मच, लव यू दोस्तों, मिलते हैं मंडे सुबह से पॉजिटिव वे में, स्टार्ट कीजिए नई जर्नी। और ये 10 से 15 दिन हो सकता है आपकी सोच मेरे चैनल के बारे में, मेरे एनालिस्ट के बारे में और मार्केट के बारे में बिल्कुल बदल जाए। तो लव यू दोस्तों, मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और जय हिंद दोस्तों।